बहुत सारे राइटर्स को ये डाउट होता है ना कि कॉन्सेप्ट और सिनॉप्सिस में आखिर अंतर क्या होता है, दोनों तो सेम ही लगता है। कॉन्सेप्ट भी देखेंगे तो लगभग लगभग एक पेज की कॉन्सेप्ट भी होती है, सिनॉप्सिस भी लगभग लगभग एक पेज की होती है, तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कॉन्सेप्ट को कैसे लिखा जाता है, सिनॉप्सिस को कैसे लिखा जाता है, ये आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप एक राइटर हैं तो आपके इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ, वरना आप यही समझते रहेंगे कि कॉन्सेप्ट और सिनॉप्सिस दोनों सेम ही चीज है, और आपसे मांगा जाएगा जहां पर कॉन्सेप्ट वहां आप सिनॉप्सिस दे देंगे, और जहां पर आपसे मांगा जाएगा सिनॉप्सिस वहां आप कॉन्सेप्ट दे देंगे, तो ये मिस्टेक आपसे हो जाएगी। तो दोनों के डिफरेंस को समझना एक राइटर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको बारीकी से समझ में आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजा और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेगी। तो देखिए गाइस, आते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद सिनॉप्सिस के बारे में मैं बताऊंगा, फिर डिफरेंस भी बताऊंगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है ना कि जब भी आप कोई आइडिया सोचते हैं, आप कहीं बैठे हैं या फिर कहीं पर भी है, आपके दिमाग में एक रफ आइडिया आ गया, आप सोच रहे कि हाँ ऐसे 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 कहानी होनी चाहिए, ये कैरेक्टर्स होंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेगी कहानी, तो जो रफ आइडिया आपके दिमाग में जो आता है ना वो आप लिख देते हैं पेज में, वो हो जाती है कॉन्सेप्ट। यानी आपके दिमाग में जो भी आया रफ आइडिया, वो आप जब लिखते हैं ना पेज पे तो वो बन जाती है कॉन्सेप्ट। अब आप लिखते हैं या फिर टाइप करते हैं, सेम बात हो गई, तो ये हो जाती है कॉन्सेप्ट। ये अरेंज नहीं रहती है, यानी ये पूरा ये नहीं कि आपको पहले स्टार्टिंग लिखना है फिर मिडिल पॉइंट लिखना है एंड लिखना है, वैसे नहीं, वो ये नहीं कि एक सीक्वेंस में रहेगी, वैसा नहीं है। आपके दिमाग में जो भी आया, जो रफ आइडिया आया, जब आप उसे लिखते हैं पेज पर या टाइप करते हैं लैपटॉप कंप्यूटर में, तो वो हो जाती है कॉन्सेप्ट। अब सिनॉप्सिस क्या होता है? देखिए सिनॉप्सिस जो है ना वो भी आपके पूरी स्टोरी का, पूरे स्क्रिप्ट का एक छोटा रूप ही होता है, लेकिन ये अरेंज्ड फॉर्म में रहता है। इसमें जो सीक्वेंसेस आप लिख रहे हैं ना वो अरेंज्ड रहते हैं, ये नहीं कि आपने बीच से भी उठा करके कुछ भी लिख दिया आपके दिमाग में जो भी आया, वैसा नहीं। ज्यादातर आपको सिनॉप्सिस को सबमिट करना रहता है, तो आपको क्या करना रहता है सिनॉप्सिस को लिखने के लिए? सिनॉप्सिस के लिए आप सबसे पहले कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनका माहौल बताते हैं, उनकी एज बताते हैं, वो क्या करते हैं, ये सभी चीजें आप बताते हैं। अब उसके बाद आप स्टोरी के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को, यानी कहानी का जो मेन मुद्दा है, किस चीज पर कहानी बेस्ड है, उसे फॉलो करते हुए वहां उसका मिडिल पॉइंट लिखते हैं कि आखिर क्या क्या होगा स्टोरी में, ये आप लगभग लगभग लिख देते हैं। ये नहीं कि आपको पूरा डिटेल में लिखना है, आपको शॉर्ट में लिखना है कि कहां से कहां तक स्टोरी जो है वो जा रही है। उसके बाद लास्टली जब आप एंड करते हैं ना, तो एंड में भी आपको वहां पर बताना रहता है कि आप क्या एंडिंग कर रहे हैं, आप हैप्पी एंडिंग कर रहे हैं, सैड एंडिंग कर रहे हैं, एंडिंग आपको वहां पर लिखना पड़ता है। ये नहीं कि लास्ट में आपने क्वेश्चन लिख करके छोड़ दिया है, जैसे बहुत सारे राइटर्स ये मिस्टेक करते हैं ना सिनॉप्सिस लिखने में, लास्टली में वो क्या लिख देते हैं कि क्या रवि की मौत हो जाएगी, क्या उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी, क्या दोनों मिल पाएंगे, इस तरीके से वो क्वेश्चंस लिख देते हैं। वो ऐसा नहीं करना, आपको पूरा एंडिंग लिखना है, क्योंकि सिनॉप्सिस जो है वो आप सबमिट करेंगे, आप अपलोड करेंगे कहीं पर अगर आपको देना है तो, या फिर आप भेजेंगे ईमेल के जरिए, तो उसमें पूरी डिटेल होनी चाहिए ना, तो इसीलिए सिनॉप्सिस को आपको अरेंज करके लिखना पड़ता है। तो सिनॉप्सिस अलग हो गई, कॉन्सेप्ट अलग हो गई, कॉन्सेप्ट रफ आइडिया, सिनॉप्सिस अरेंज्ड फॉर्म में रहती है, भले दोनों ही है ना वो लगभग लगभग वन पेजेस के रहते हैं। कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा कम भी लिखेंगे ना, हाफ पेज भी लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन सिनॉप्सिस लगभग वन पेजेस की होती है, थोड़ा कम लिखेंगे तो चलेगा। तो ये सब डिफरेंसेस है, और अगर आपको कहीं पर पिच करना रहता है, कहीं पर आपको भेजना रहता है, तो आप यूजुअली सिनॉप्सिस को भेजते हैं। तो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिनॉप्सिस क्या होता है, डिफरेंस भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एज अ राइटर आपका माइंड जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है, सेम नहीं होता दोनों। तो इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक, और चैनल पर नया है ना तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।